मोदी जी की बातें खोखली हैं, मोदी जी का सम्मान खोखला है, सिर्फ बोलने की बातें हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए बातें हैं, कोई वजन नहीं है उनकी बातों में। कहते हैं मैं अकेला लड़ रहा हूं, मैं अकेला लड़ रहा हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप और अकेले कैसे? सारी सत्ता आपके पास है, सारे साधन आपके पास है। आप ही के लोग कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं आप, दुनिया के सारे प्रधानमंत्री, दुनिया के सारे राष्ट्रपति आपके साथ हैं और आप अकेले लड़ रहे हैं। मंच पे आते हैं चुनाव के समय, रोने लगते हैं बच्चे की तरह, कहते हैं कि मुझे गाली दी, कहते हैं कि मुझे गाली दी। अरे हिम्मत करिए मोदी जी, सार्वजनिक जीवन है, हिम्मत करिए, इंदिरा जी से सीखिए। उस दुर्गा रूपी महिला से सीखिए जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। कितनी हिम्मत थी उनसे सीखिए, देखिए क्या होती है हिम्मत, क्या होती है दृढ़ता, क्या होती है वीरता। लेकिन आप उनसे नहीं सीख सकते क्योंकि आप उन जैसे शहीद महान महिला को आप देशद्रोही कहते हैं। संविधान को हमेशा मजबूत रखा, हमेशा अपने आपके अधिकारों के लिए लड़ी, जहां जहां आपको जरूरत थी वहां वहां वो आपके बीच आई और आपके जो अधिकार हैं, आपकी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए काम किया, आपके अधिकारों को मजबूत करने का काम किया। सोनिया जी जैसे मैंने कहा ने भी उनसे सीखा। कांग्रेस के समय में SC ST सब प्लान बना, राजीव जी के समय में SC ST अत्याचार निवारण कानून बना, जिससे अगर आप पर अत्याचार होता तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। पैसा कानून भी कांग्रेस ने बनाया और मेरे पिताजी ने जो पंचायती राज का कानून लागू किया, इससे आपके अधिकार और भी मजबूत बने। बाद में सोनिया जी ने मनमोहन सिंह जी के साथ फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया, जिससे आपको जंगलों पर अपना पुराना अधिकार मिला और यहीं से नंदुरबार से मनरेगा का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिससे आपका रोजगार गांव में 100 दिन का रोजगार गारंटी होता था। मेरे भाई राहुल गांधी जी आज देश में एक नेता होंगे जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 लिए थी। ये यात्रा आपके बीच आनी थी। शायद ही कोई ऐसा नेता होगा हमारे देश में जो आपकी समस्याओं को समझने के लिए, आपसे मिलने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चला हो, 4 महीनों तक चला और उसके बाद एक और यात्रा निकाली मणिपुर से मुंबई तक। कुल 8000 किलोमीटर आपके बीच आने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपके दुखों को समझने के लिए, आपकी कठिनाइयों को समझने के लिए। देखिए हमारी जो राजनीतिक परंपरा है, हमारी जो राजनीतिक परंपरा है कांग्रेस पार्टी की, उसकी नींव महात्मा गांधी जी ने डाली। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि सत्य के पथ पर चलना है और उसी पथ पे चलते चलते कांग्रेस के सब नेताओं ने, जितने भी महान नेता रहे हैं, ये सीखा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, कि हमारा काम है, हमारा धर्म है आपकी सेवा करना, हमारा दायित्व है
कि हम आपके बीच आए और ये समझें कि आपका जीवन क्या है। लेकिन भाजपा की एक विपरीत विचारधारा है, उनकी विचारधारा आपकी संस्कृति को समझती नहीं है, आदर नहीं करती। जहां जहां मौका मिलता है वो आपकी संस्कृति को बदलने की कोशिश करते हैं। वो आपकी संस्कृति, जिस तरह से आप जंगल का आदर करते हैं, पेड़ों का आदर करते हैं, जानवरों का देखभाल करते हैं, जिस तरह नदियों को आप आदर करते हैं, नदियों का पानी आप पूछते हैं, ये सब चीजें भाजपा को न समझ आती है और ना भाजपा के नेता इसका आदर करते हैं। जहां जहां आदिवासियों पर अत्याचार हुआ है, बड़े से बड़ा नेता, प्रधानमंत्री मोदी जी जितने बड़े नेता, और उनके सारे मंत्री चुप रहे हैं। आपने मणिपुर में देखा होगा, एक महिला के साथ बहुत अत्याचार हुआ, उनको निर्वस्त्र करके सबके सामने लाया गया, वहां बहुत मौतें हुई, घर जलाए गए, लोग लड़े एक दूसरे से, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चुप रहे। अत्याचार हुआ, उन्होंने रोकने के लिए एक उंगली नहीं उठाई, कुछ नहीं किया। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी भाई के ऊपर भाजपा के ही कार्यकर्ता ने पेशाब किया, उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई, वीडियो बना, पूरे देश भर में वायरल हुआ, भाजपा के नेताओं ने कुछ बोला भी नहीं। बाद में चुनाव आने लगा तो उस समय भाजपा के नेता उसके घर गए और उससे माफी मांगी, लेकिन जब तक चुनाव आया तब तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। ये है इनकी सच्चाई। आपकी संस्कृति पर लगातार हमला करते हैं, आपकी आवाज को दबाते हैं। जहां जहां आप उठते हैं अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, जहां जहां आपकी आवाज बुलंद होती है वहां आपको दबाने की कोशिश होती है। आपकी जमीनें बड़े बड़े उद्योगपतियों, खरबपतियों को देने का काम होता है। जब आप आवाज उठाते हैं तब आपके पक्ष में आपके साथ खड़े होने के बजाय आपको दबाया जाता है। हेमंत सोरेन जी इकलौते आदिवासी मुख्यमंत्री है इस देश में, आज चुनाव चल रहा है झारखंड में और उनको जेल में डाल दिया गया है। उन पर हमला बार बार भाजपा कर रही है, तो आपके कौम पे, आपके समुदाय पे, आपके समाज पे लगातार भाजपा और आरएसएस का हमला है। फिर यहां मंचों पर आकर बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। राष्ट्रपति जी आज हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला है, उन्होंने अपने जीवन में कितना काम किया है, उस काम को पहचाना गया है और उनको सम्मान दिया गया है।